सो आज हम आए बर्गर बॉयज जो कि कामोटे में सेक्टर 6 में MNR के सामने है। एंड बहुत सारे लोग कामोटे के यहाँ के यहाँ का बर्गर एंड पिज्ज़ा खाते हैं जस्ट बिकॉज दो रीज़न। फर्स्ट, इनका टेस्ट जो नेक्स्ट लेवल है। सेकंड, इनकी प्राइस रेंज जो आपको कॉम्बो में मिलती है अलग अलग, आप इनका कॉम्बो ट्राई करो, पैसा वसूल लगता है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक वेज चीज़ी कॉम्बो और एक नॉन वेज में चिकन कॉम्बो। सो मैं और रिजान अभी ट्राई करेंगे एंड आपको फिर रिव्यू दे। तो बाबा तुझा नाव क्या? हर्षांक। हर्षांक, हाँ। सो ये हमारे MNR के ऑपोजिट में है बर्गर बॉयज एंड बहुत फेमस है। तो अभी ये करेंटली तू कौन सा कोर्स कर रहा है ब्रो? होटल मैनेजमेंट सेकंड ईयर। नाइस। सो अभी हम देखते हैं भाई के हाथ का जादू भाई के हाथ का टेस्ट। स्मॉल साइज पिज़्ज़ा है, मतलब कितना इंच पिज़्ज़ा है ये? 8 इंच। 8 इंच भाई, तुम तो बहुत सस्ता बेच रहे हो भाई कसम से। बजट फ्रेंडली वीडियो के हिसाब से बेस्ट है। सो कितने साल से ये सब में हो? अभी 20 सितंबर को एक साल। नाइस। फिर मतलब 20 सितंबर को जो जो आएगा सबको डिस्काउंट? नहीं 1 ईयर रहने बस रही है भाई मेरा वीडियो 20 आज डेट क्या 18 19, तो 20 के बाद ही जाएगा। कोई नहीं, 20 के बाद आके लोग डिस्काउंट ले लेंगे हाँ अगले 20 सितंबर को नहीं वैसे डिस्काउंट की ज़रूरत ही नहीं है जब इतना बजट फ्रेंडली हो तो। नाइस। तो अभी हमारा पूरा खाना तो आ चुका है एंड मैं नॉनवेज तो खा नहीं सकता बिकॉज गणपति, बट ये दो नमूने हैं हमारे पास जो नॉनवेज टेस्ट करके उसका रिव्यू देंगे और हम वेज वाले वेज का रिव्यू देंगे। तो चलिए पेट पूजा शुरू करते हैं। सो जो हमारा पहला टेस्ट रिव्यू है वो है चिकन चाउमीन जो हमारे सहज भाई रिव्यू मानने वाले। सर टेस्ट करो एंड दिल से रिव्यू देना कि कैसा है, क्या कमी है, क्या दादा। इसकी सही है ब्रो इसकी शक्ल, इसकी खुशी बता रही है कितना अच्छा लगा है इसको। टेस्ट बहुत अच्छा है और इसका जो अंदर पैटी है उसमें स्टफिंग अच्छी है पूरी। ओके। और टेस्ट में तो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल। आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे? 9। नाइस। चलो अब आपका बर्गर सर। वो है नॉर्मल चिकन बर्गर, चिकन चीज़।
सऊदी के मुकाबले इंडिया का अच्छा है कि नहीं? अब वो बात अलग है, सऊदी सऊदी है, सऊदी के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट है ये। हाँ, एंड जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, एंड द क्रंच ऑफ द क्रस्ट जो है उसका अंदर बहुत अलग लेवल का है, एंड इट्स डिफरेंट। तो शगल थोड़ी एक और बाइट खा ले और अच्छे से बता। ओके लेट्स गो। उंगली चाट रहे समझ आ रहा है? नाइस। तो ये दोनों का चिकन बर्गर क्या था? मेरी बारी है वेज बर्गर टेस्ट करने की। मैं यहाँ पे ऑलरेडी खा चुका हूँ, सो मेरे को पता है टेस्टी है, बट लेट्स सी अभी तक वो जादू है कि नहीं। मैकडोनल्ड बर्गर किंग छोड़ो, मैं तो इसको बोलता हूँ अपना एक फ्रेंचाइजी खोल ले भाई, बहुत बढ़ेगा खोल ले तो। बहुत सही है भाई, बहुत सही। कामोटे का स्कारगर नवी मुंबई के कहाँ पे भी हो, कामोटे साइड आते हो एक बार ये विजिट करो और चेक करो भाई। नहीं पसंद आया फिर बोल देना बस, मैं ऐसी जगह ही आपको रिकमेंड करूँगा जो टेस्ट में वैल्यूएबल हो और वर्थ ऑफ मनी हो, और ये जितना भी हमारे बजट फ्रेंडली है तीन जन के मुकाबले, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल कि एक बार आओ यहाँ। अभी धीरे धीरे सब ट्राई करते हैं, ट्राई करने वाले हैं। जो ये कैचअप है भाई, इतना प्यारा लगा, इसमें फ्राइज डुबाने का मन ही नहीं हो रहा। सही, बिल्कुल। अब तो जैसे लोग हैं निचड़ ऐसा डाल के डुबा के खा जाएंगे, खा लेंगे हमारे जैसे लोग। शर्म आती नहीं? आती बिल्कुल भी, पर ठीक है अब है उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। सॉरी भाई खुद ही बिगाड़ा था, खुद ही बिगाड़ा, देख क्या करूँ, अच्छा ही नहीं लग रहा था। फ्राइज भी अलग एकदम, इट्स लाइक यूनिक नहीं है, मतलब जैसे है वैसे ही नॉर्मल फ्राइज फ्राइज ही होते हैं, बट एक चीज़ अच्छी लगी कि अफोर्डेबल में अपने जो बजट है उसमें चीज़ एंड जो तंदूरी सॉस है अच्छा लगा। वो अलग टाइप की कॉम्बो के हिसाब से इट्स लाइक में भी आपको सेम दिखेगी। KFC तो साले कहाँ कहाँ नहीं खाया वो बता। बर्गर किंग, KFC, MCD, एवरीथिंग। तू सीधा मैकडी भी बोल सकता था। सो अभी पिज़्ज़ा का रिव्यू है, लास्ट एंड फाइनल। अपना फ्राइज हो गया, बर्गर हो गया, लास्ट एंड फाइनल पिज़्ज़ा। देखते हैं अब ये क्या अपने को रिजल्ट देता है। चलो सर शुरू हो जाओ। नहीं क्या बोल रहे, क्या हुआ? अमेजिंग ब्रो, इसका क्रस्ट बहुत सही है। और जोर से बोल, सॉफ्ट है, और इसका जो स्टफिंग है बहुत सही है। नाइस। स्टफिंग टॉपिंग? टॉपिंग सॉरी। इसके लिए तो बड़ी जगह लेके नहीं जाता। नाइस। तू भी टेस्ट कर ले, मैं बाद में टेस्ट करूंगा, अब भी कर। इसमें बिजी हूं वो मैं खा रहा हूँ, मेरे लिए वेजिटेरियन चीज नहीं है कुछ। जो उसकी टॉपिंग्स है वो अलग, वो अच्छे से करी है पूरी। क्या अच्छे से? क्या अच्छे से करी है पूरी टॉपिंग है वो अच्छे से लगाई है, वी कैन से। जो चीज़ है वो फुली फुली मेल्ट हो गया, विच गिव्स अनदर काइंड ऑफ टेस्ट। बाकी का आशीष तो बोलेगा, मैं तो वेज खा रहा हूँ, मैं वेज का बोलूँगा। वेज का बोल। देख मेरे हिसाब से टेस्ट का तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैं पास्ट में खा चुका हूँ तो टेस्ट तो इसका बेस्ट है। प्लस रही बात टॉपिंग्स की, तो भाई फुली लोडेड है, और क्या चाहिए। एंड चीज़ एंड जो प्रॉपर एक मिक्सचर रहता है मसालों का, चीज़ का, वो एक चीज़ी फील मस्त आता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। अब तुम लोग न्यू हो तो तुम लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर। हम लोग बिगिनर हैं। नाइस। सो अभी ये पिज़्ज़ा की बारी है। चिकन बर्गर, वेज बर्गर, चिकन चाउमीन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिकन पिज़्ज़ा, सब खाने के बाद अब ये पिज़्ज़ा की बारी है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वेज पिज़्ज़ा यहाँ का। एंड पहले तो खाने के पहले आपको इसका क्रस्ट दिखाऊंगा नीचे का बेस, जो एकदम परफेक्टली पैक है, प्लस पूरी कैनो और चिली फ्लेक्स, चीज़, मोज़रेला, नेक्स्ट लेवल है। बहुत टेस्टी है।
अभी एक टेस्ट कर। नाइस, ऑल टाइम हमेशा और जब भी खाता हूँ बहुत, मतलब बोलते हैं मैं, ऐसा लगता है भाई कुछ अलग ही खा लिया है जिससे दिल खुश हो जाता है। वैसा मैं तो इसको दिल खुश पिज़्ज़ा बुलाऊंगा, बहुत फट है। एंड सेकेंडली आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि यहाँ पे एक बार विजिट करो, एंड नहीं पसंद आया तो भाई बोल देना बस। तो भाई आपके यहाँ और क्या क्या मिलता है पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा वेराइटीज? पिज़्ज़ा बर्गर, फ्रैंकी सैंडविच, वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं। फ्रैंकी सैंडविच वेज नॉन वेज दोनों। और आपका टाइमिंग क्या है? सुबह 10 से लेकर रात को 11 बजे तक। सुबह 10 से रात के 11। और स्विगी जोमैटो इस पे आप अवेलेबल हो? स्विगी जोमैटो दोनों पे अवेलेबल है। हाँ, सुबह 10 से लेकर रात के 10 तक डिलीवरी मिलेगी। ओके, एंड होम डिलीवरी? हमारा पर्सनल भी है होम डिलीवरी। ओके, 50 के आप ऑर्डर रहेगा तो कामोटे में, ऑल ओवर कामोटे। ओके भाई, सो गाइस किसको भी कामोटे में अगर बेस्ट पिज़्ज़ा बर्गर फ्रैंकी टेस्ट करना हो एक बार हमारे बर्गर बॉयज के पास आ जाना एंड अपना रेफरल दे देना, एंड देखना फिर क्या जादू दिखाते हैं भाई। थैंक यू भाई, बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। अभी तो देख लो कैमरा में, ओ शर्मिले सर अभी तो देख लो।